नवागढ़ थाने के द्वारा ट्रैक्टर चोरी का आरोपी पकड़ाया। प्रार्थी भूपेंद्र साहू ने नवागढ़ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अज्ञात चोरों के द्वारा ट्रैक्टर और नवनाथ दोनों जो घर के आंगन में था वहां रात्रि में चोरी हो गया। नवागढ़ थाने में अज्ञात चोरों की चोरी का प्रकरण अपराध पंजीकृत कर दिया गया, जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल अति पुलिस अधीक्षक विमल बैच के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई और आरोपी के पता साझी के लिए टीम को रवाना किया गया, जिसमें पता चला कि ट्रैक्टर चोरी करने वाला आरोपी तीन लोग हैं, जिसमें तीन लोग बिलासपुर के रहने वाले हैं जिन्होंने ट्रैक्टर चोरी करने का कार्य को अंजाम किया और चौथा आरोपी आगरा का निवासी है जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदा था, जिसे पुलिस टीम के द्वारा बबलू उस्मानी को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को बरामद कर आरोपी को रिमांड में ले लिया गया। छत्तीसगढ़ से आर स्टीफन की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मुर्ता का ट्रैक्टर चोरी के संबंध में उसके बारे में बताएंगे सर। विगत 14 जून 2020 को प्रार्थी भूपेंद्र साहू ग्राम मुर्ता निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनके नई सोल्ड ट्रैक्टर पिछले रात चोरी हो गई है, जिसपे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल सर विभिन्न तरह के मार्गदर्शन में एक टीम तैयार करी गई और जिसपे कार्रवाई हेतु पदसाजी आरोपी के पदसाजी और माल के पदसाजी हेतु टीम तैयार करके छत्तीसगढ़ रवाना हुआ था, जिसमें विवेचना के दौरान पदसाजी के दौरान जो ट्रैक्टर चोरी हुई थी उसके लगभग 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 3 आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं जिन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और जो चौथा आरोपी बबलू उस्मानी आगरा का निवासी है जिसको ट्रैक्टर बेचा गया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है और ट्रैक्टर आगरा से बबलू उस्मानी के पास से बरामद कर लिया गया। सर ये जो आरोपी आप बता रहे हैं आदतन पुरानी ऐसे ही है कि नया इनकी जो ये आ रही है इनके रिकॉर्डों को भी तलाशा जा रहा है, विभिन्न जिलों के पुलिस मुख्यालय से इनके बारे में इनका रिकॉर्ड मंगाया गया है कि इनके खिलाफ पूर्व में और किसी प्रकार के अपराध पंजीकृत हुए हैं और आसपास के पड़ोसी जिलों में भी अगर जिन जिन क्षेत्रों में ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट हुई है उनके बारे में पूछताछ किया जाए।